जैसा कि आप सभी पिल्लई सेंटर इंडिया के साधक जानते हैं कि डॉक्टर पिल्लई अर्थात बाबा जी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचर हैं और अध्यात्म के साथ साथ भौतिक लाभ पर भी वो खूब प्राधान्य देते हैं। अक्सर हम ये जो भौतिक लाभ की हमारी यात्रा है उसे साधने के लिए श्रीमृजी देवी का आवाहन करते हैं, उनका जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। पर बाबा जी ने या भौतिक लाभ साधने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति साधने के लिए और भी तकनीक और भी विधियां दी हैं। ये इच्छा पूर्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है, आपका आत्मबोध, आपका आत्मविकास, या वो सांसारिक क्षेत्र में हो सकती है, या तो धन समृद्धि, या संबंध, या स्वास्थ्य। श्री ब्रजी देवी की साधना से यह सब होता है। पर आज का ये जो वीडियो है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य ये है कि यही चीज देवी की मदद के बजाय शिव जी की मदद से भी फलीभूत हो सकती है। अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो वैराग्य शिरोमणि हैं और वह आध्यात्मिक लाभ ज्यादा देते हैं, भगवान विष्णु जो हैं वो सांसारिक लाभ देते हैं। कुछ हद तक यह सच है, पर शायद ये एक अर्ध सत्य है। अगर तंत्र के दृष्टिकोण से देखें, आगम के दृष्टिकोण से देखें, तो भगवान शिव स्वयं ही इच्छा पूर्ति के भी देव हैं। शिव जी के पांच मुख कहे गए हैं, उसमें से कुछ मुख जो है वो संपूर्णतया आध्यात्मिक है और बाकी के मुख संपूर्णतया भौतिक। तो शिव जी भी आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सहायक हो सकते हैं, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए भी, ना कि मात्र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति। बाबा जी स्वयं अपने भीतर शिव जी की ऊर्जाएं उनके भीतर निहित है। बाबा जी का जो मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं सर्वलोकाय आदित्याय शिव सद्गुरु बाबाय स्वाहा, उसके भीतर शिव जी की ऊर्जाएं हैं। और उस मंत्र के पश्चात बाबा जी ने और एक मंत्र दिया था, ओम द्राम दत्तात्रेय शिव बाबाय नमः, जिसके भीतर भगवान दत्तात्रेय की ऊर्जाएं हैं और वह भी बाबा जी का एक प्रकार का मंत्र है। हालांकि जो मंत्र मैंने पहले बताया वह उनका मूलभूत मूल मंत्र है। हाल ही में बाबा जी ने और एक मूल मंत्र हम सबके साथ साझा किया। इस मंत्र के अंतर्गत शिव जी की ऊर्जाएं निहित हैं और बाबा जी की ऊर्जाएं निहित हैं। यह एक नया मूल मंत्र है बाबा जी की ओर से। उन्हें मानव जाति के लिए अत्यंत करुणा महसूस होती है, इसीलिए डॉक्टर पिल्लई या बाबा जी बार बार किसी न किसी विधि का आविष्कार कर उसे हम सबके साथ साझा करते हैं। जो सबसे नई विधि होती है उसके भीतर नई ऊर्जाएं होती हैं, नए फल होते हैं। तो ऐसी ही एक विधि है शिव जी का, जो ये नया मंत्र है शिवमे विभूति, इसका जप। शिवमे विभूति बाबा जी का नया मूल मंत्र है और इसके भीतर जो दो शब्द है, पहला शब्द शिव जो स्वयं शिव जी की ऊर्जाओं से युक्त है, और दूसरा शब्द विभूति जिसे हम भभूत भी कहते हैं,
विभूति बाबा जी कहते हैं हमारी इच्छा पूर्ति का प्रतीक है, हवन या होम में बनी विभूति। उस विभूति के भीतर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो ऊर्जाओं को आप अपने जीवन में गतिमान कर सकते हैं। विभूति का सही प्रकार से उपयोग कर आप अपने जीवन में यह सारी ऊर्जाएं गतिमान कर सकते हैं। इस मंत्र का उपयोग इस विभूति के साथ किया जाता है। आपको प्ले सेंटर इंडिया या प्ले सेंटर हिंदी की चैनल पर और इंग्लिश की चैनल पर विस्तार में इस मंत्र का उपयोग और विभूति का उपयोग, इसके आपको कई वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ ही समय में एक 5 दिवस की शिविर भी इस मंत्र के उपयोग और विभूति के उपयोग पर करेंगे। शिविर में जुड़ने से सबसे अधिक फायदा यह होता है कि हालांकि वो टेक्निक आपको शायद YouTube पर मिल भी जाए, पर जब आप अन्य लोगों के साथ यह ध्यान करते हैं तो ध्यान के जो फल हैं उसमें काफी बढ़ोतरी होती है। साथ ही जब आप शिविर में जुड़ते हैं तो उस बहाने आप 5 दिन तक रोजाना यह ध्यान करते हैं आधे घंटे के लिए, तो यह बहुत ही बड़ा लाभ है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मंत्र तो ऐसे भी हमारे पास उपलब्ध है, पर अगर आप देखोगे आपका रोजमर्रा का जीवन तो आप कितना भी प्रण लोगे तो भी आप कई बार रेगुलरिटी से, नियमितता से मंत्र जप नहीं कर पाते स्वयं। इसीलिए यह शिविर का जो आलंबन है जिसके माध्यम से आप दैनिक साधना कर पाते हैं और दूसरों के साथ सामूहिक स्तर पर कर पाते हैं, तो उसके भीतर जुड़ने से आपको अलग स्तर के लाभ होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब कभी आपको मौका मिले तभी जिस प्रकार की भी पिल्ले सेंटर इंडिया की शिविर चल रही हो उसमें जरूर जुड़ें, मंत्र ध्यान का लाभ उठाएं और आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही क्षेत्र में अपने लिए सफलता का, हर प्रकार की सफलता का और सांसारिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता का प्रयोजन करें। धन्यवाद।